उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के दिग्गज धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। इसी कड़ी में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अनूप शहर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला और कहा कि उत्तर प्रदेश के सारे माफिया या तो जेल में हैं या राज्य छोड़ चुके हैं या फिर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों की सूची में हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित करते हुए यह भी कहा कि परसों के प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश जी ने जयंत चौधरी जी को अपने साथ बैठाया था। जयंत जी को लगता है कि अगर सरकार बनेगी तो अखिलेश बाबू आपकी सुनेंगे। अरे जयंत बाबू, जो अपने पिताजी और चाचा जी की नहीं सुनते वो आपकी क्या सुनेंगे। शाह ने आगे यह भी कहा कि एसपी बीएसपी ने 10 साल तक यूपीए की सरकार का समर्थन किया। मैं इनसे पूछता हूं कि आपने जिस सरकार का समर्थन किया था उसने उत्तर प्रदेश को क्या दिया। 2014-15 में यूपीए सरकार ने यूपी को 66 करोड़ रुपए दिए और मोदी सरकार ने इस बजट में 1,46,500 करोड़ रुपए यूपी को दिए हैं। पीयूष जैन के खिलाफ आईटी रेड को लेकर गृहमंत्री अमित शाह ने अखिलेश पर वार करते हुए कहा कि मैं पूछना चाहता हूं कि जब इत्र वाले मित्र के यहां रेड पड़ी तो अखिलेश जी आपके पेट में मचलन क्यों हो रही थी? क्या वो आपकी मौसी का बेटा लगता है? उत्तर प्रदेश के सारे माफिया या तो जेल में हैं या राज्य छोड़ चुके हैं या फिर सपा के उम्मीदवारों की सूची में हैं। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए punjabkesari.com के साथ।